तो कन्नौज रेप कांड में बुआ की गिरफ्तारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि कई राजों से पर्दा हट जाएगा। वहीं उधर रेप कांड के आरोपी नवाब सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आरोपी नवाब की चल अचल संपत्तियों को जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। बारह अगस्त 2024 को रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे कॉल आई थी, जिसमें लड़की ने बताया था। तो आपको बता दें कि नवाब सिंह की चल अचल संपत्ति पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है, जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है। कन्नौज रेप कांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पीड़ित के भाई पर भी दबाव बनाया गया, 6 साल से दोनों संपर्क में थे, दोनों के बीच संबंध थे, और ऐसे में एक दिन ये जो बुआ है वो पीड़िता को नवाब सिंह के पास ले गई थी। ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया था और उसके बाद पीड़िता ने ही 112 पर फोन करके पुलिस को जानकारी दी थी। नवाब सिंह की क्राइम कुंडली भी हम आपको बता रहे हैं लगातार। कन्नौज रेप कांड में बुआ हालांकि अब गिरफ्तार हो चुकी है, उसे जेल भेज दिया गया है। आज सुबह सुबह 5 बजे बुआ की गिरफ्तारी हुई है। नवाब सिंह की मदद का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नाबालिग लड़की से रेप के आरोपी नवाब सिंह यादव पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। जांच टीम केस से जुड़े हर साक्ष्य जुटाने में लगी है। आरोपी नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। अब 300 करोड़ के मालिक नवाब सिंह यादव की चल अचल संपत्ति की जांच की तैयारी हो रही है। राजस्व विभाग की टीम नवाब सिंह से जुड़ी संपत्तियों को खंगालने में जुट गई है। इसके लिए एसडीएम सदर ने एक कमेटी गठित की है। 5 लेखपालों की कमेटी बनाई गई है। नायब तहसीलदार को कमेटी की कमान दी गई है। नवाब सिंह यादव के पैतृक गांव अडंगापुर में संपत्ति की जांच होगी। इसके अलावा चौधरी चंदन सिंह डिग्री कॉलेज की जांच की जाएगी। नसरापुर गांव में ये डिग्री कॉलेज मौजूद है। साथ ही तिरवा तहसील में होटल की जांच भी की जाएगी। दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। सदर एसडीएम कन्नौज ने 5 लेखपालों की एक कमेटी गठित की है, जो नवाब सिंह यादव के संपत्तियों के बारे में पता लगाएंगी, जिसमें नवाब सिंह यादव के होटल, स्कूल, कॉलेज, घर और पैतृक संपत्तियों की जांच करेंगे, क्योंकि दुष्कर्म से पहले नवाब सिंह यादव के ऊपर 16 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। यदि किसी भी संपत्ति में अवैध तरीके से धन का प्रयोग किया गया हो या कोई भी संपत्ति अवैध पाई जाती है तो उसके ऊपर बुलडोजर की भी कार्रवाई की जा सकती है। अगले 2 से 3 दिन में संपत्ति जांच की रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जिसे डीएम को भेज दिया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर नवाब सिंह यादव के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में चश्मदीद और पीड़ित लड़की की बुआ अब तक लापता है, जो पीड़ित को नौकरी दिलाने के बहाने नवाब सिंह के डिग्री कॉलेज उसे लेकर गई थी। डिग्री कॉलेज में ही पीड़ित से रेप का आरोप है। शुरुआत में पीड़ित की बुआ ने नवाब सिंह के खिलाफ बयान भी दिया था, बाद में वो पलट गई थी।